गड्ढा मुक्त अभियान की खुली पोल। सूबे में भाजपा सरकार के सत्ता में आने से लोगों को काफी उम्मीदें बंधी थी कि सड़कों की हालत ठीक हो जाएगी। योगी सरकार ने भी सड़कों को 6 माह के अंदर गड्ढा मुक्त करने का दावा किया था, लेकिन सरकार का यह दावा महज कागजों तक सीमित रह गया। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण सड़कों की स्थिति बद से बदतर हो गई। इस बीच रही सही कसर बारिश ने सड़कों की सूरत बिगाड़कर पूरी कर दी। सरीला क्षेत्र के जर्जर ग्रामीण सड़कें गांव के विकास की पोल खोल रही है। यहां चड़ौत, बसरिया, जिटकिरी, जमौड़ी, बौखर गांवों की मुख्य सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। 15-20 साल पहले की बनी कई सड़कों की आज तक मरम्मत भी नहीं हुई है। झबरा स्टैंड में नई बस्ती, जिटकिरी, जमौड़ी, डांडा लगभग 7 किलोमीटर तक की ग्रामीण सड़क अपनी जर्जर हालात पर आंसू बहाने को विवश है। यहां तो हल्की बारिश में भी चलना मुश्किल हो जाता है। सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़क कहना मुश्किल। वहीं जिटकिरी गांव निवासी भगवान दास तथा नंदराम कहते हैं, जिटकिरी जमौड़ी गांव की मुख्य सड़कों की हालत इतनी खराब है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। बरसात के समय सड़क में बने गड्ढे पानी से लपालप भर जाते हैं। गड्ढों की चपेट में आकर बाइक सवार अक्सर चोटिल होते हैं, साथ ही गड्ढों में हिचकोले खाते हुए वाहन चलते हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस भी समय से नहीं पहुंचती। ऐसे में लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। चड़ौत ग्राम पंचायत की मुख्य सड़क दलदल में तब्दील है। यहाँ जल निकासी का भी कोई इंतजाम न होने से बिना बारिश की सड़कों पर कीचड़ और जल भराव नजर आता है। इसके अलावा जरा सी बारिश की पूरी सड़क को टापू सा बना देती है। ज्यादा बारिश हो तो सड़कों की गंदगी घरों के भीतर तक पहुंच जाती है। हालत यह है कि आम आदमी का जीवन नरकीय हो गया है। सिंह दीनदयाल, गिरीश शंकर, राम मिलन का कहना है कि ग्रामीण सड़कों की हालत सुधारने के लिए ना तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और ना ही प्रशासनिक महकमे के अधिकारी ध्यान देते हैं। चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब हवा हवाई हो जाता है। देखिए एक रिपोर्ट।